ठंडियों में ये दिक्कतें अधिकांश आती हैं। जब हमारी गाड़ी 10 से 12 दिन खड़ी रहती है तो गाड़ी को हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं आपको एक छोटे छोटे ऐसे टिप बताऊंगा जो आप मिनटों में अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज जरूर ध्यान रख लें गाइस, जब भी आप गाड़ी लेके चलें तो अपना फ्यूल जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम कोई ना हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों का और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि हम अपनी गाड़ी को ठंडियों में जब 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना गाड़ी खड़ी रहती है तो हमें उस सिचुएशन में अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमें जो चीजें बेसिक है वो आनी चाहिए, हमें कैसे गाड़ी को सही तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस कि आपको ठंडियों में गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और आप अपनी गाड़ी को सही सुरक्षित रखें। तो गाइस, आप लोग वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो गाइस, जैसे कि हमारी गाड़ी यहाँ पे है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी गाड़ी है जो कि मैं अपनी गाड़ी के आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप मान लीजिए 10 से 15 दिन महीने भर आपकी गाड़ी खड़ी है ठंडियों में, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कई चीजें जैसे नहीं पता होती हैं, तो वो जो दिक्कतें करते हैं गाइस आपको ठंडियों में गाड़ी स्टार्ट करते समय, जो कि हमें नहीं पता होती हैं। जैसे कि गाइस, हम मान लीजिए 10 दिन से गाड़ी खड़ी है हमारी और हम तुरंत आए, चाबी लगाए, स्टार्ट किए, तो उससे क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, आज इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी गाड़ी खड़ी है तो आपको वहाँ पे तुरंत स्टार्ट नहीं करनी है। गाड़ी में आप बैठ गए, आपकी चाबी गाड़ी की की लगी हुई है, आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की चाबी जो है, जिसको हम की बोलते हैं, उसको आप आराम से लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर पहले लगा दी है यहाँ पे। और गाड़ी में गैस, हम गाड़ी को जैसे तुरंत स्टार्ट करते हैं तो उससे गैस क्या हमारे नुकसान होते हैं, नुकसान के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए गैस, पहली चीज, आपकी गाड़ी का जो पूरा इंजन का मोबाइल होता है वो एक जगह जो चेम्बर होता है नीचे गाड़ी का, उसमें नीचे आ जाता है, क्योंकि आपकी गाड़ी हो जाती है एकदम सूखी। तो आपको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप तुरंत गाड़ी को नहीं स्टार्ट करेंगे, इससे गाइस क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जितना भी पार्ट्स है वो खराब होने के जल्दी चांस हो जाएंगे। तो आपको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको पहले मैं जो छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ तो आपको वो फॉलो करनी होंगी। दूसरी चीज गाइस क्या होती है, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल वाले टैंक होता है उसमें एक मोटर होती है, वो जो है मोटर इंजन में पेट्रोल भेजती है, तो वो पेट्रोल जो इंजन में मोटर भेजती है वो इंजन से पेट्रोल वापस आ जाता है टैंक में उसी मोटर के जरिए से। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आप जब भी स्टार्ट करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट तुरंत नहीं होगी। तो आपको उस सिचुएशन में क्या सही तरीके से जज करना है, आपकी गाड़ी खड़ी है उसके बाद आप क्या करते हो कि जैसे स्टार्ट की और तुरंत लेके चल देते हो, तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये गाड़ी को लेके नहीं चलनी है। आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए गाइस तरीका तो यही होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आप अपनी गाड़ी को तुरंत लेके ना चलें। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें तो पहली चीज ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपके पूरे इंजन में मोबाइल का संतुलन पूरा सही तरीके से मिक्स हो जाए। और दूसरी चीज गाइस, आपको जब रिवर्स करें या आप अपनी गाड़ी को लेके चलें तो आपको ये पता हो जाए कि आपके ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, गियर, हैंड ब्रेक, हर एक पार्ट आपका काम कर रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी तभी मिल पाएगी गाइस जब आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से आप अपना सेटअप पूरा चेक करेंगे तब। तो गाइस, इस तरीके से आपको गाड़ी लेके तुरंत नहीं चलनी है, पहले हर एक पार्ट चेक करना जरूरी होता है। जैसे कि गाइस, अब आप मान लीजिए कि आपकी सेल्फ की बात रही, बैटरी की बात रही, देखिए गाइस आपकी बैटरी सही है तो आपका सेल्फ जो है तुरंत गाड़ी को स्टार्ट कर देगा,
डिस्चार्ज हो गई है बैटरी तब तो आपको चार्जिंग करवाना पड़ेगा, या खराब है उसको सही से अपना बैटरी जो मैकेनिक होता है उसको दिखाना पड़ेगा। तो एक वीडियो मैंने बताया आपको बनाई थी और आपको मैंने यूट्यूब पे डाली भी है, वो आप देख सकते हो। तो गाइस इस तरीके से जैसे आपके सेल्फ सही है, आपकी बैटरी सही है, तो जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है तो आप उसी हिसाब से स्टार्ट करोगे, तुरंत गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली चीजें, जो चीजें हैं कि आपको गाड़ी ठंडियों में कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या सही तरीका होता है, कैसे हमारी गाड़ी में पूरा मोबाइल एग्जॉप हो जाए और कैसे हमारी गाड़ी का पेट्रोल जो है मोटर के जरिए से इंजन में पहुंच जाए, क्योंकि इंजन का पेट्रोल जो है सब खत्म हो गया है, आ गया है टैंक में। तो आपको सही तरीके से मैं बता रहा हूं कि आपकी गाड़ी में कैसे सही तरीके से स्टार्ट करें जब आपकी ठंडियों में गाड़ी ठंडी हो जाती है, 10-15-20 दिन महीने भर खड़ी रहती है, तो इससे गाड़ी आपकी जो है एकदम नॉर्मल तरीके से ठंडी भी हो जाती है, मोबाइल एक चैम्बर में आ जाता है, मोबाइल इंजन में नहीं रह जाता है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो इंजन में होता है वो वापस टैंक में आ जाता है, और आपका जो सही तरीके से आपको 10-12-15 दिन महीना भर के बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है ठंडियों में तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है। तो गाइस आप लोग वीडियो में पूरा प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको जानकारी मिल पाए। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरी गाड़ी है और गाड़ी मेरी आराम से खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मैं खड़ी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा बगल में प्लाट है जिससे कि सरसों लगा हुआ है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि आराम से गाड़ी मेरी खड़ी है। और इसको जब मैं स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट करने के समय क्या क्या सही तरीके से जज करना है। वैसे तो गाइस आप के लिए मैं एक चीज सलाह देना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि ठंडियों में ही ऐसा करना जरूरी है, बट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी अपनी गाड़ी कहीं जाने के लिए निकालें तो ये चीजें जरूर फॉलो करें जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज्यादा बन सके और ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी चले। तो गाइस देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है, आप अपनी गाड़ी पे बैठ गए हो सीट पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बैठे हुए हो, अब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। अब जैसे कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहली चीज गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि ये मेरी की है, मैंने इसको निकाल लिया है, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा, इस तरीके से मैंने लगा दी, अभी गाड़ी को हमें स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा गियर है, ये है गियर है, इसको मैंने चेक कर लिया कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, ये जो है काम कर रहा है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं काम कर रहा है, स्टेयरिंग भी हमारी प्रॉपर काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि आप आए गाड़ी खड़ी की और आपकी स्टेयरिंग फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट चेक करना जरूरी होता है, ठीक है, आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और दूसरी चीज गाइस क्या होता है, जैसे कि स्किलीटर को एक बार चेक कर लेना जरूरी है, ब्रेक को लगा देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ब्रेक पाइप लाइन हो कहीं से लीक कर रही हो और आप गाड़ी लेके चल दिए तो आप कहीं कोई ब्रेक लगाए तो आपका ब्रेक ना लगे, तो इसको चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। आपका ब्रेक भी सही है, आप क्लेच भी देख रहे हो कि हमारा क्लेच भी काम बढ़िया कर रहा है, इससे गाइस आप कर लेते हो तो इससे क्लेच प्लेटें ऊपर जो आपका प्रेशर होता है वो प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कि इंजन से क्लच के चिपका रहता है तो हो सकता है किसी कारणवश क्लच प्लेटें आपकी चिपकी हो तो वो नॉर्मल तरीके से छूट जाए। अब इस तरीके से आपके काम सब चीजें कर रही हैं। अब यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे कि अपनी चाबी को, जैसे मैंने यहाँ पे की को लगा दिया था, अब इसको हम गाइस देखिए सही तरीके जो होते हैं, हम पहली चीज क्या करेंगे कि चाबी जैसे यहां से हमने लगाई और लगाने के बाद एक राउंड बस, अभी गाइस हमको स्टार्ट नहीं करनी है, कोई फंक्शन हमारा नहीं चालू है, किसी प्रकार से कोई भी सिस्टम नहीं है, एक नंबर तो हो गया गाइस। यहाँ पे हम चाबी को अपनी लगा दिए हैं, जैसे कि हम अपनी चाबी को ऑन करेंगे, अब यहाँ पे एक नंबर हमने ऑन किया, दूसरा नंबर इस तरीके से ऑन किए तो हमारे जितने भी फंक्शन है, जितना भी सिस्टम है गाड़ी का वो चालू हो गया है। मतलब गाइस क्या क्या चालू हो गया मैं बता रहा हूं आपको, पहली चीज जो आपका पेट्रोल इंजन से निकल के टैंक में आ गया था वो पेट्रोल मोटर की जरिए से इंजन में जा रहा है और इंजन
को वो मोटर पेट्रोल दे रही है स्टार्ट करने के लिए, और अपनी जगह पे जैसे ये एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि आपकी गाड़ी की जितने भी फंक्शन है वो एक्टिव हो गए हैं चलने के लिए। अब यहाँ पे आप को जब ऑन करेंगे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी है गाइस, यहाँ पे गाड़ी को आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी है, आपको 10 से 15 मिनट जरूर 20 सेकंड तक जितना देरी से हो जाए, मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड आप रुकना चाहते हो आराम से रुकिए। उसके बाद आपकी गाड़ी के हर एक सिस्टम ऑन हो गए हैं, हर एक चीज जो गाड़ी का काम करता है वो एकदम क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे गाइस क्या होता है कि जैसे कि हम अभी गाड़ी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये हमारे जो जितने पार्ट्स हैं वो ऑन हो गए हैं चलने के लिए, कि मतलब हम रेडी हैं, तो अभी भी स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी को और आप आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सके। अब गाइस यहाँ पे गाड़ी के हमारे फंक्शन जितने हैं उतने ऑन हैं, अब हमको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। एक चीज तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान रखना, जैसे रही बात मोटर की पेट्रोल वाली, तो अभी आपको आवाज मिली होगी बट मैं फिर से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऑफ किया गाड़ी को और ऑफ करने के बाद मैंने चाबी को ऑन किया, तो आवाज आप हुन से सुनेंगे, देखिएगा सुनेगा गाइस हुन से आई, इसका मतलब है कि आपकी मोटर का जो पेट्रोल टैंक से मोटर होती है वो एकदम काम करने की तादाद में है, एकदम रेडी है। अब यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, हमारी गाड़ी के फंक्शन सब चालू हैं तो हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम ना तो गियर को छुएंगे ना हैंड ब्रेक को छुएंगे, पूरा क्लच जरूर दबाएंगे सही तरीके से और उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अब गाड़ी हमारी स्टार्ट है, हर सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। हम चाहें तो अपने क्लच को छोड़ भी सकते हैं, क्लच पर से पूरा पैर हटा लेंगे कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी स्टार्ट है नॉर्मल तरीके से। तो गाइस इस तरीके से जब हमारी गाड़ी को हम स्टार्ट कर देते हैं तो 15 से 20 सेकंड में गाड़ी को जरूर स्टार्ट रखना है। इससे गाइस क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जितना भी मोबाइल है पूरे इंजन में आराम से मिक्स हो जाए, आराम से आपकी जितने भी रिंग पिस्टन है पूरा इंजन है वो जो है आराम से अपना नॉर्मल तरीके से चलने लगे बिना लोड दिए हुए, जिससे कि आपकी गाड़ी खड़ी है 15-20 सेकंड आपकी गाड़ी जब इस तरीके से नॉर्मल चलेगी तो आपकी गाड़ी एकदम फ्री चलेगी उस तरीके से, चाहे ठंडी में हो चाहे गर्मियों में हो चाहे किसी प्रकार से हो, बट आपकी गाड़ी जब खड़ी है तब। और जैसे भी आपको अपनी गाड़ी डेली ऐसे करना तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आप तो हर एक सिचुएशन में अच्छा काम कर रहे हो, आपको जो जरूरी तरीका होता है सही तरीके से वो कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी की लाइफ तो हो ही सकती है। जैसे आप डेली गाड़ी चला रहे हो तो डेली आप अपनी गाड़ी में इस तरीके से काम कर रहे हो, 15 से 20 सेकंड गाड़ी को स्टार्ट करते हो तभी आप गाड़ी को लेके चलते हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। इससे गाइस क्या होता है कि आपकी गाड़ी की लाइफ इंजन की ज्यादा रहती हो जाती है, आपकी गाड़ी का सिस्टम सही तरीके से हर एक चीज बढ़िया से हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से 15 से 20 सेकंड आपको गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट करने के बाद गाइस क्या होता है ना कि जैसे हमारे घर में मान लीजिए गाड़ी खड़ी हुई है, अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है प्रॉपर, अब मैं यहाँ से रिवर्स करना चाहूंगा, आगे तो जगह है नहीं गाइस, अब यहाँ पे रिवर्स करना चाहूंगा इस जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, पहले गाइस मैं रिवर्स नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे गाड़ी भले ही एक कदम आगे बढ़ानी हो मैं पहले या एक फीट आगे बढ़ानी हो, मान लीजिए एक फीट भी जगह नहीं है गाइस आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास एक मतलब कि आधा फीट एक बालिश तो जगह होगी होगी, उसको आप आगे जरूर बढ़ा दें। उससे गाइस क्या होता है कि आपका इंजन आगे मूवमेंट कर जाता है, पहले मोबाइल आपकी गाड़ी में हर तरीके से आगे का क्लियर हो जाता है, तो गाइस आपको एक फीट आगे गाड़ी एक फीट से कम ही है कोई नहीं, जितना भी हो उतना आप आगे बढ़ाएं जरूर। इससे गाइस क्या होता है कि आपकी गाड़ी आगे तैयार हो जाती है एकदम क्लियर, आपको डायरेक्ट बैक नहीं करनी है। तो इस तरीके से गाइस आपकी गाड़ी क्लियर हो गई, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं उसके बाद रिवर्स कर लिए आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके से आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो भी सही से है, आपकी बैटरी जो है वो भी बिना लोड हुए चार्ज हो रही है,
और इस तरीके से आपके हर एक पार्ट है, हर एक सिस्टम चालू है, आराम से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। आपके हर एक पार्ट में हर एक तरीके से जैसे पहले था वैसे ही अब हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। सो गाइस इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को हर एक पार्ट एक सिस्टम से आप जब चालू करेंगे, चलाना सीखेंगे, और इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से जॉब करेंगे, बढ़िया से मेंटेन रखेंगे, बढ़िया से आप सही तरीके से यूज करेंगे, तो आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज्यादा हो सकती है। तो गाइस इस आज की वीडियो मैंने इसलिए बताई कि आप ठंडियों में यूज गाड़ी को कैसे करें, गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें, 10 से 15 दिन जैसे हो जाते हैं, या आप प्रॉपर डेली गाड़ी निकाल रहे हैं तो गाड़ी को प्रॉपर डेली कैसे अपनी गाड़ी को सही रखें और कैसे यूज करें। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को आराम से, जो कि आप एक मिनट भी गाड़ी को दे दोगे तब भी आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा लाइफ मैं आपके लिए साथ देने के लिए रेडी रहेगी। तो गाइस आज की वीडियो मेरी यही थी कि आपको सही तरीके से पूरा सिस्टम समझाओ कि गाड़ी को आपको कैसे स्टार्ट करनी है, चाहे वो गाड़ी आपकी 10 से 15 दिन खड़ी हो या आपको डेली गाड़ी ले जाते हो निकालते हो। तो आज की वीडियो में यही बताना था कि आप अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी प्रकार से जानकारी सुझाव चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक ओके बाय, जय हिंद।